50 पैसा, देखो बताओ 50 पैसा क्या होता है। 50 पैसा को 1 रुपी लिखो और 100 पैसा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? पैसा से नहीं पैसा ऐसा कटा और 50 में नंबर में एक आ गया, नंबर एक जीरो से जीरो कटा तो बाई क्या? हंड्रेड से हुआ, नंबर बोलो। हाँ, बाई हंड्रेड से हुआ, मतलब 1/50 सीधा 50 बाई। रुपी हाफ है ना, तो हाफ लिखा 1/100 कहाँ किया है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है? तो वो ऊपर और नीचे सेम चीज नहीं लिखोगे क्या अच्छा नीचे पैसा है क्या? 100 भाई? ठीक पैसा ही तो है, 1 रुपए पैसा पैसा तभी तो है, कटेगा तो वो दिखा नहीं। भाई। यहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा, तो पैसा पैसा कैसे काटोगे, रुपए में कैसे बदलोगे? तो 50 पैसा है तो 1 रुपी और 100 पैसा कर दिया, तो इससे पैसा पैसा कट गया और 5/10 हाफ रुपी आया कि नहीं। यस तो इस तरीके से हमने इसको बदल लिया। अब देखो, तो फिर हमारा एरिया इंटू रेट यानी पर सेंटीमीटर का हाफ रुपए लगता है, तो इतने सेंटीमीटर का कितना लगेगा? तो मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे? अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और एक और 6, तो यानी कितना रुपए हो गया? 1281 रुपी और 60 पैसा, इतना हो गया क्या? सो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पीछे से मिलाओ, क्या यही आंसर है कि थोड़ा फर्क आ रहा है? क्योंकि रूट है तो फर्क आ सकता है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹1281.60, ये है। अब मैं पीछे से मिला लेता हूँ, तो पीछे कितना दिया है? इट इज 7 और 5 दे रखा है। 705। तो अब हम लोगों ने कहीं कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ी की है क्या? तो 35, 28 और 9 चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं गड़बड़ी हुई है। सो ये 37, तो ये चीज़ हो गई 36 हो गई, ये 36 हो गई, 36 ये है 8, 27, तो 27 हो गया। फिर 36 को 9 into 4 8, 9 into 3 9 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 6 है। 6 का रूट चेक कर लें, रूट ऑफ 6, तो दैट इज, चेक कर लेते हैं 6 का रूट, तो 2.449 आ रहा है। तो हमने भी 2.45 लिखा है कि नहीं? ठीक है। यस अच्छा, अब सर, कितने इनके में बने हैं वो देखो, क्या 16 है कि ज़्यादा है? 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, 16 है। अब हमें पता चलता रहेगा, 2.45 भी मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, जरा इससे मल्टीप्लाई करके देखें कि हाँ यही गलती कर दी। देखो 2.45 को मैंने 4.45 लिखा है ना, बड़ी गलती है कि नहीं? आंसर क्या आया था? यस 2.45 और हमने क्या लिखा? 4.45। अब 2 से करो, तो सिर्फ अब यहां 2 से करो, 4 से ना करो। तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाकी तो सब सही है। 2 6 जा, सबसे लास्ट वाली लाइन बदल दें, तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 13, 2 7 जा 14 और 1 15 और 2 5 जा 10, तो 11, तो क्या आ जाएगा? 0 2 1 कैरी किया तो 1 1 इधर कैरी हो जाएगा, 5 और 5 10 और 11 1 कैरी हुआ तो 4, और फिर यहाँ कितना आया? 1 एक और आ गया, ये 1 और 1 आ गया। इतनी बात हो गई। अब 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, 1411 आया कि नहीं? तो इसको कितना लिख दें? इट इज 1411.20 आ गया। अब यहां पे क्या लिख दें? ऊपर भी बदलना पड़ेगा, ये भी बदलना पड़ेगा, ये सब बदलना पड़ेगा और ये भी बदलना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं कि 1411 और 0.20। अब 2 से इसको कट करो, 1411.20 को 2 से कट करो तो कितना आएगा? 2 7 जा 14
और वन है, वन में जाएगा। अभी नेक्स्ट डिजिट लोगे भाई, एक नया डिजिट लोगे तो क्या उसमें चला जाएगा? तो जीरो यस लगाओ, दो लेना पड़ेगा एक साथ। तो 705 और 0.6 आ गया, तो 700, सर। तो ये कितना हो गया? 705.60। तो 705.60, तो हमारा कैरी फॉरवर्ड गलत था। इसका इसका खामियाजा हमको पूरा सवाल ही गलत हो के निकालना पड़ा। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो चीज़ है हम उसको सही ट्रांसफ़र कर भी रहे हैं। लास्ट नाइन्थ सवाल देखो, नौ नाइन्थ क्वेश्चन सेज दैट द फील्ड, ₹705 होगा। हाँ, ₹705 है कि नहीं? सर स्क्रीन जरूर है कि नहीं? अभी ठीक कर देते हैं। यस सर। नाउ अब देखो, पहले मैं कुछ लिखूं तब पता चलेगा। अभी कुछ क्लियर आ रही है? चलो तो अब देखो, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है कि फील्ड एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में है, और हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एट एंड नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये ट्रेपीजियम है, एक और एक ये, तो एक मान लो 13 सेंटीमीटर है और एक कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 14 मीटर, ये सब मीटर मीटर में है, ये खेत है तो ये मीटर में हो गया। अब देखिए कि नाउ ये है ऊपर वाली 10 मीटर और जो नीचे है वो 25 मीटर है, क्या इसके पैरेलल यहां से क्लाइन ली जा सकती है? यस सर। और अब भाई ये दोनों तो पैरेलल है ही हैं, और इसके पैरेलल ये ले लोगे तो क्या ये भी 13 हो जाएगी? तो ये भी 13 मीटर हो जाएगी। अगर इसके पैरेलल लिया जाए तो नीचे कितना बनेगा? टेन और मान लो 13 ले लिया, ये तो 10 मीटर हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 15 मीटर बच गया। अच्छा, तो अब इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे, पर बात बचेगी कि इसका कैसे निकाला जाए। इसमें 10 और 13 बन रही है। एक बात बताओ कि क्या इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, और एक क्या इससे निकाल सकते हैं? और क्या वही हाइट इसमें काम आ जाएगी इसके एरिया निकालने में? बताओ, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? क्या बेस इंटू हाइट होता है? अभी देखो पिछले वाले क्लास में, कल वाले क्लास में बताया था हमने आपको पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। तो हम हमें दो एरिया निकाल के एक साथ जोड़ देना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, हाइट निकालता हूँ। तो इस तरीके से कि ट्रायंगल एबीसी, और फिर इसे डीई भी लिख लो। सो लेट हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज एच मीटर, और अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? सो ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू ई डी, एक एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब सो डी बी कितना हो गया? इस 10 मीटर, और बी सी कितना हो गया? 15 मीटर। ये सारी कंस्ट्रक्शन कर लिए, और साथ ही साथ ए बी भी लिख दो। ए बी कितना हो गया? 13 मीटर। ये चीज हो गई। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? और कौन सा एरिया है? क्या ट्रायंगल एबीसी? ए बी सी। तो ये क्या आंसर आया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो मुझे पता है 15 है, लेकिन क्या हाइट का पता है? इसके लिए पहले एरिया निकालेंगे। हाँ, तो हाँ एरिया निकाल लेंगे। एक तरफ तो मैंने ये लगाया, और यहां पे क्या लगाने जा रहा हूं? क्या यहां पर मैं हेरॉन्स फार्मूला लगाने जा रहा हूं? और एक तरफ ये लगाया, एक तरफ ये, क्योंकि सर उसी का सीधा हेरॉन से भी तो निकाल सकते हैं। तो
हैरान से आ जाएगा, और उसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या हाइट आ जाएगी, और वही हाइट हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में मदद करेगी। और फिर उसके बाद क्या हम इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे, अगर हम सर पहले तो हम एस फाइंड करेंगे ना। हाँ हम एस फाइंड कर लेते पहले हैं। हम हीरोन से आ सकते हैं। देखो दोनों को हम कंपेयर कर लो, या फिर आप एरिया इससे भी निकालो फिर इक्वेट करो, है तो दोनों एक ही का एरिया, हम आपके मेथड से भी कर देंगे। तो यहां पर आप एस निकालो, एस कितना है, क्या 13 प्लस 15 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 27, और प्लस 42 बाई 2 21, तो ये कितना हो गया 42 बाई 2, तो क्या है 21 मीटर हो गया। अब यहां पे लो तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्या ये दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करो चाहे इससे करो। तो रूट 21, 21 यहां से आया है, देख लो 21 आया और इसमें डाल दो, तो 21 इसमें डाला जाए तो क्या होगा, नाउ अब देखो 21 माइनस एक बार 13 डालो, एक बार 14 डालो और एक बार 15 भी डालो, नीचे की साइड क्या है, क्या 15 है, ये 13 14 15, तो क्या डाल दो 21 माइनस 15, और यहां क्या आ जाएगा 15 इंटू एच बाई 2। अब इधर कितना आएगा 21 इंटू 8 प्लस, और यहाँ क्या आएगा बताओ, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और उधर 15 इंटू एच बाई 2 आ जाएगा। चेक करो क्या 21 को 7 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 2, क्या किसी चीज का जोड़ा बन रहा है, सबका बन रहा है। देखो 7 का बन गया, 2 का बन गया, एक 2 का बन गया, एक 3 का भी बन गया, तो 7 बाहर निकला, एक 3 निकला, लेकिन दो 2 निकले, और 15h बाई 2 वो 2 भी इधर आ जाएगा, तो 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये 21 होगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होगा 84, और 15h 15 को भी नीचे ले आओ, जैसे 2 उधर ले गए तो क्या 15 को नीचे ला सकते हैं, ये हो गया। तो अब कुछ कट सकता है क्या, 3 से कटे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो h कितना हो गया 7 8 जा 56 बाई 5, तो ये h हो गया, दैट इज इक्वल टू h। h की वैल्यू कितनी हो गई, तो h की वैल्यू हो गई 5 1 जा 5 और 5 11.2 मीटर, ये h हो गया। लेकिन अभी भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाला, आधी बात की बस, ऐसे ऐसे कर दिया इक्वेट, एरिया कहाँ निकाला, देखो तो यहाँ निकाला एरिया, जब तक मैंने इधर का कुछ ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन फिर भी हम एक बार और निकालते हैं, वो हाथ हटा ले। ये देखो तो बताओ एरिया एबीसी कितना होगा, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हाफ इंटू 15 इंटू 11.2, हाइट तो आ गई ना, हाइट वहां रख दो, अब बोलो प्रार्थना समझ में आई बात, ये क्या किया गया है, फिर से देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर सकती हो, हाफ इंटू बेस है 15 और हाइट कितनी है 11.2, समझ में आ गया। अच्छा तो टू स्क्रीन जा रहा है सर, ठीक है ठीक है माई, एक बार बिल्कुल क्लियर है क्या, सही है तो माही अब माही ठीक है वो कर लेगी, तो 2 5 या 15 और ये फिर कितना बचेगा 2 5 या 10 और ये 0.6, 5.6 का 15 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 15 6 या 90 और 15 5 या क्या होता है 75 और 75 में 9 जोड़ो तो 75 में 9 जोड़ा जाएगा तो क्या 84 आ जाएगा सर। हाँ सर, वो जो आपने हीरोन्स फार्मूला के बगैर ना सर इक्वल्स टू हाफ
जब वो नहीं लिखते तो नहीं आता क्या? नहीं, उससे हमने एच निकाला है। हमने हमने कहा कि ट्रायंगल का तो एरिया हम बाद में भी निकाल लेंगे, पहले एच तो निकाल लें, क्योंकि एच निकल आएगा तो साथ ही साथ में मेरा पैरेललोग्राम का भी एरिया आएगा, एक हरा और एक पीला दोनों मिल जाएंगे तभी तो एरिया बनेगा। जैसे तो हमने कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई, हमने बस इक्वेट करके एच में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। आप चाहते तो पहले एरिया निकाल देते, फिर हाफ इंटू बी इंटू एच करके एच फिर निकालते। बोलो, समझ में आई बात? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कैसे आएगा? तो इट इज इक्वल टू क्या? बी इंटू एच। लेकिन इसका बेस कितना है? 10। और हाइट कितनी है? 11.2। 11.2 तो बेस है 10 और हाइट है 11.2, तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ डेसिमल हट जाएगा, 112 112 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आया? सर हाँ, सर ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को छोड़ कर हम ये कर सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा, हाँ उससे भी कर सकते हैं, मैं उससे भी कर देता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये बात आपने अच्छी कही है। वैसे मुझे ध्यान नहीं रही, नहीं तो मुझे वही करना चाहिए था, दो बार मुझे फिर टोटल करना पड़ रहा है। तो ये कितना हो गया? ये देखो 112 में करो तो 426 और ये 9196 मीटर स्क्वायर आ गया क्या? अब पीछे आंसर चेक कर लो इसका कितना है, तो इट इज 190। अब देखो दूसरा एक चीज देखते हैं, कार्तिक ने कहा कि आप सीधा सीधा क्यों नहीं निकाल लेते, ये 13 है, ये 14 है, ये 13 मीटर है, ये कितना है और नीचे कितना है? 25 मीटर, और ऊपर कितना है? 10 मीटर। क्या हमने इसके पैरेलल एक तरीके का कंस्ट्रक्शन किया और उससे हमने हाइट निकाल ली 11.2 मीटर? बोलो। और क्या आप मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला बता सकते हैं? हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो एच को तो मैं लिख देता हूं 11.2, और पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? 10 प्लस 25। चलो 10 प्लस 25, 2 से इसको काटो तो कितना आ गया? क्या 5.6? 5.6। और 5.6 का अब करो 35 से मल्टीप्लाई, तो इसे तो करना पड़ेगा, तो हम इसे यहां कर लेते हैं कि 35 इंटू 5.6। सो 6 5 जा 30 और 3 3 जा 18, तो 21। 5 से करो 5 7, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, तो 17। 06 196 आ गया क्या? बताओ, आ गया ना? तो ये कितना आ गया? 196 मीटर स्क्वायर। अनुराग आप वो बता रहे थे पहले हमें एरिया निकाल लें और फिर एच करें, वो करना जरूरी है कि बात समझ में आ गई है? समझ आ गई। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। एक बार लास्ट का दिखा दीजिए। हाँ लास्ट वाला देख लो। अब करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सॉल्व इट। नाउ ठीक है, लिख लिया? यस सर, ऐसा लिखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक एरोप्लेन का डायग्राम बनाया गया है। तो एरोप्लेन का डायग्राम थर्ड में देखो, एक ऐसे ट्रायंगल लिया और फिर एक ऐसे लिया, ये रेक्टेंगल है, ये बीच वाला रेक्टेंगल है, और फिर उसके बाद नीचे कैसा बनाया? क्या ट्रेपीजियम? और इधर दो ट्रायंगल बना दिए क्या? ऐसे दोनों एक जैसे ट्रायंगल है। अब ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितना है?
सिक्स सेंटीमीटर। क्या इससे हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया मिल जाएंगे बड़ी आसानी से? फिफ्थ यस सर, फिफ्थ के और फोर्थ के आसानी से मिल जाएंगे, जो इसका होगा वही इसका होगा। ऊपर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एक तरीके का ये सिमुलेटर है, ये छोटा मिनिएचर एयरक्राफ्ट का डायग्राम बनाया है। 6.5 ये टोटल लेंथ है, तो ये अगर टोटल लेंथ 6.5 है तो हमें लेंथ तो मिल गई, ब्रेथ और मिल जाए। ब्रेथ कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या मुझे रेक्टेंगल का भी एरिया मिल जाएगा? यस सर। और ये 1 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं हीरॉन्स फार्मूला लगाऊं तो क्या मैं फर्स्ट का एरिया पा सकता हूँ? yes, जब yes, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, नहीं sir, तो 5 सेंटीमीटर। ये 6.5 ये है पूरी लेंथ, तो 6.5 × 1 करोगे तो क्या रेक्टेंगल का आ जाएगा? ये 1 है, देखो बुक में 6.5 क्या लिखा है, बुक देखो तो पता चले। 6.5 दिख रहा है, बिल्कुल पूरा है। yes, एरो से एरो देखो ना आप, yes, कहां से कहां तक एरो है। तो ये 1 है, ये 2 है, इसे बीच वाले को 2 लिखो, 1, 2, 3 और 3 इसे लिखो। 3 का कैसे करोगे? ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये चीज है। तो अगर मैं यहां पे एक ऐसे लाइन ले लूं इसके पैरेलल, तो क्या ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा? yes. अच्छा ये 1 है तो क्या नीचे वाला ये 1 हो जाएगा क्या? yes. तो बचा वाला कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एक तो हमारे पास इक्विलेटर क्या है, वन हो गया। है? वन क्या ये 1 है, और अगर पैरेललोग्राम बनाओ तो क्या इतना 1 हो जाएगा? yes, sir, sir. और अगर इतना 1 हो गया तो जो बचा वो कितना हुआ? 1, वो भी 1। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, तो यहां पर हमारे पास एरिया इसका भी निकल जाएगा। अब जरा देखो, पहले फर्स्ट का निकालो, 1 by 1 करके निकालते। 1 के एरिया के लिए फॉर रीजन 1, रीजन 1 के लिए क्या करोगे? 5, 5, 1 है तो पहले ऐसे ही निकालो, नाउ एरिया ऑफ 1 रूट ये कितना है? इसे क्या 5.5 बोलोगे? यस सर। देखो 11/2 को करो कैलकुलेट। यस सर। सो 5.5 में से कितना माइनस करो? 1 5, दूसरा 5 और फिर किसे माइनस करो? क्या 1 माइनस कर दो? तो क्या क्या चीज आ जाएगी? 5.5 × 0.5 × 0.5 और × 4.5। क्या? अच्छा 5.5 को क्या आप ये समझ सकते हो कि 55/10 लिखा जा सकता है? रूट को बड़ा कर लो। यस सर। और 45/10, नीचे 4 जीरो है तो नीचे नीचे के रूट से बाहर क्या आ जाएगा बताओ? 100 आ जाएगा, 1/100 आ गया। और ऊपर क्या बचा? क्या 55? 55 को क्या लिख सकते हो? 55 को क्या? 11 और 5 × 5 और इसे क्या लिख सकते हो? 45 को 4 तो नहीं लिख सकती हो, कुछ और लिख सकती हो, वो बताओ क्या लिख सकती हो? 5 × 9। चलो 5 का जोड़ा बन गया, 11 का तो नहीं बना, लेकिन 9 भी बाहर निकाला जा सकता है। 5 × 5 × 3 और बाई 100 और रूट के अंदर रह गया 11। अच्छा ये काट दो, 25 है, 25 से सीधे काटोगी तो क्या 4 आ जाएगा बताओ? 25 4 100 1/100 को लिखा ये
ऐसे जैसे नीचे टेन 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 है ना, तो एक रूट ऊपर लगाओ, 55 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45, और एक रूट नीचे लगा दो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो नीचे क्या आ जाएगा? मतलब रूट ए बाई बी क्या रूट ए बाई रूट बी होता है? अच्छा ये बताओ, 5 से इसे काटो तो 20, फिर 5 से काटो तो 4 आएगा, 3/4 है, 3/4 तो आ गया, और रूट इलेवन, लेकिन पीछे मुझे लगता है डेसिमल में दिया होगा, तो रूट इलेवन तो निकालना सर पड़ेगा। नो सर, हमारे स्कूल में इतना ही करवाना है, कोई बात नहीं। डेसिमल में नहीं अच्छा निकाला देखो, 3 3 जा 9, बाहर के टीचर होंगे या दूसरा टीचर अभी आ जाएगा तो फिर वो गड़बड़ करेगा, स्कूल के टीचर बदलते रहते हैं ना। तो 2 लिखो और ये 3 इसके नीचे लिखो, तो 6, यहाँ डेसिमल लगाओ तो 2 0 लगा दिया, तो 6 है तो क्या लिख दें, 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, इतना छोड़ दो, 3.3 है, तो 3 × 3.3/4, क्या ये 9.9 हो गया, 4 2 जा 8। बोलो सर, वो 1/100 और वो जो है उसके नीचे सर आपने पार भी किया। देखो ये है ना, हाँ ये चीज समझ में आई कि नहीं? सर उसमें लिखा है पार भी। देखो 5 × 1, 5 का जोड़ा, 1 5 का जोड़ा, 1 3, तो 2 5 से काटा, तो पहले 5 से काटोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा क्या? यस सर। और 20 है, और 20 को फिर से काटो तो 4 आ जाएगा, तो 3/4 रूट इलेवन आया, रूट इलेवन से 3.3 आया क्या, यस सर। 3.3 से मल्टीप्लाई करो 9.9, अब 4 से कट करो, 4 2 जा 8 19 है, तो 4 4 जा 16, 3 बचा, यस सर। 30 से क्या यस आएगा, सर। क्या 4 7 जा 28, यस सर। और अगर 28 करोगे तो भी 2 बचेगा, तो 4 5 जा 20, 2.5 टू पॉइंट पीछे 5 दिया क्या, 2.4 चलो राउंड ऑफ करके लेते हैं। कितना दिया है, तो हमें भी तो आइडिया लगे। 2.5 हो गए सर। अब देख लेते हैं पीछे जो दिया, इसी क्वेश्चन में ये ज्यादा एक्यूरेसी चाह रहा है। अच्छा, पीछे सबका मिला के दिया, सबका मिला दिया ना, हम अभी यही लिखेंगे, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी, बाद में फिर मिलता नहीं है आंसर, यही लिखो अभी, लास्ट में राउंड ऑफ करेंगे, इंटरमीडिएट में नहीं करेंगे। एरिया ऑफ टू रीजन बताओ, क्या वो रेक्टेंगल है और सीधा निकाला जा सकता है, 6.5 × 1? सर हाँ बोलो। सर हम इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे ना दूसरे और फोर्थ के लिए, क्यों? अच्छा, सर क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम अरे है। नहीं, हम इस रीजन का निकालना है ना, वन का निकाला, इसको थोड़ी ना करेंगे, ये निकालना है अभी तो। अब ये जब हम 1 2 3 4 और 5 में कर देंगे टू से मल्टीप्लाई। हाँ, एरिया ऑफ टू क्या लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है, क्या 6.5 × 1, क्या ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहला यस एरिया सर। ये, दूसरा एरिया ये। अब चलो, एरिया ऑफ, आप फोर पहले एरिया निकाल, रेक्टेंगल में लिखेंगे सर, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ कितना, 2 सेकंड। लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया, लेंथ कितनी है, 6.5 और ब्रेथ 1 है, क्या पूछ अच्छा रहे हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे क्या? चलो लिख, वो लिखना हो लिख दो, आपके ऊपर है। एरिया फोर ओके क्या वही एरिया ऑफ 5 है, क्या वो यस हाफ इंटू बी इंटू एच है क्या? अच्छा, बेस कितना है इसमें देखो, क्या 6 है, और हाइट क्या वन यस पॉइंट सर फाइव है चेक कर लो, 1.5 चेक करो। यस सर यस सर। तो इस तरीके से हाफ इंटू 6 × 1.5, तो ये 6 से ये कटा, 3 आया, और 3 से कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे लास्ट में आ जाए तो अब ये रीजन को थोड़ा बड़ा करके दिखाओ, ये रीजन आसानी से नहीं निकलेगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया ना, ये वही क्वेश्चन है, या क्या ये 1 सेंटीमीटर है और नीचे 2 था,
अगर मैंने एक ऐसे बना लिया तो ये 1 सेंटीमीटर, ये वन सर सेंटीमीटर वो 4.5 को 2 से 2 करेंगे ना। अच्छा वो लास्ट में कर देंगे जब हम सारे करेंगे, तो 4.5 को 2 टाइम्स लिख देंगे, दो बार। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए कि अब इसमें कई रीजन है, ए बी सी डी ई, तो लिखो रीजन 3, ये थर्ड रीजन है। थर्ड रीजन में क्या आप में से किसी को भी याद है कि जो पहला क्वेश्चन किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका कोई फार्मूला याद है? हाफ इनटू हाफ सर इनटू हाफ नहीं साइन होता ऑफ ए है। माइनस बी होल स्क्वायर हाँ वो इनटू ए स्क्वायर। ये सही कहा है। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, माही याद करो, अगर सर मुझे लगा आप ट्रेपेजियम का पूछ ट्रेपीजियम का तो नहीं निकाल सकते ना, हमें ऐसे हाइट नहीं मालूम है तो हम अभी सर। कैसे निकाल लें? तो क्या ये होता है एरिया? अच्छा, अब यस मैं सर। इसी में हाइट भी निकाल लूंगा, अभी पहले एरिया निकाल लूं, फिर जैसे अनुराग वाला मेथड कर रहा हूं, पहले मैं इसका निकाल लेता हूं। सर ये कैसे आया सर? ये अभी इसको दूसरी तरीके से कर देते हैं, हम हीरोन्स फार्मूले कर देते हैं, उससे बता देंगे, क्योंकि पहला सवाल हमने ऐसे किया था। और सर ये तो ये फॉर्मूला है ना। भाई फार्मूला है, और फिर हमने करवाया भी था, याद हो तो ये ए है पहला सवाल, और इसमें रखा था, यस सर करवाया था। तो √3/4 ए स्क्वायर आया था, फिर वैल्यू डाल दी थी। नहीं याद आ रहा तो अभी सर कर देंगे फिर से। अब देखो तो बताओ इसका ए कितना है, 1 है क्या? √3/4 × 1 स्क्वायर, बोलो सही है? तो 1 स्क्वायर आ गया, तो इट इज √3/4। क्या 1.71/4? लेकिन 3 तो इक्विलेटरल नहीं है सर, क्या उसका तो नीचे 2 है ना 3। ओ यस सर है मतलब 1 1 कर दिया, टोटल 2 है ना? तो जब मैंने यस सर। वो पैरेललोग्राम छोटा बनाया था तो 1 और 1 रहा, टोटल 2 है। तो यस जैसे सर। क्योंकि 1 के इक्वल 1, फिर जो बच गया 1 इधर, तो ये कितना आया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया? और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को और भी क्या कहा जा सकता है? क्या ½ × बेस × हाइट? तो यहां लिखो 1.71/4 तो आ ही चुका है, और बेस कितना लूं? बेस 1 ले लूं क्या, और हाइट को h ले लूं? देख लो वही चीज फिर से आ गई, यही एरिया है। एरिया मिल गया तो मैंने ½ × बेस × हाइट कर दिया, मैंने कहा हाइट मिल जाए तो हमारे यहां काम आ जाए, बोलो, नहीं तो बाकी इसका कैसे निकाल पाओगे? निकाल लोगे क्या बताइए? तो इसका नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हमने क्या किया, सर किसका? इस ये ट्रेपीजियम का, ये पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का भी तो निकालना है ना, तो इससे निकाल के फिर आप क्या कर दो, प्लस कर देंगे। तो पहले हाइट निकालो, ठीक है? तो अब दूसरा भी मेथड एक बता देंगे, पहले ये समझ लो, ये ना पसंद आए तो एक इससे भी अच्छा मेथड है, ये अभी अभी हमने किया है तो इसलिए बता रहे हैं। सर एबीसी का दो दो बार आपने बता दें। ये एरिया ऑफ एबीसी निकल आया इससे, ऐसे अब क्या मैं उसे ½ × बेस × हाइट से भी निकाल सकता हूं? सर बताओ, दो बार आपने दो बार निकाल नहीं रहे, उससे हाइट मिल जाएगी। अगर किसी चीज के दो ओ यस फार्मूले सर हों, तो अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन ही किया था कि एक हीरोन से निकाला था और फिर इक्वेट करके हाइट नहीं ले ली थी, यस तो हाइट नहीं निकालोगे तो फिर पैरेललोग्राम का कैसे निकाल पाओगे? तो अब जरा देखो कि इसके लिए क्या करो ना, ये 2 ऊपर ले जाओ, 1.723 होता है एक्चुअली, इसका देख लेते हैं, 1.723 होता है, 1 तो नहीं होता है। तो 3 का रूट देखो, 3 का रूट 1.732, ठीक? तो
हम इसको ठीक ठीक लिख लेते हैं, 1.732। और रूट टू कितना होता है? रूट टू 1.414। 1.1 और रूट थ्री कितना होता है? 1.732। रूट फाइव कितना होता है? 2.23। 2.2 ये चीज होती है। तो हमने अभी रूट थ्री का यूज किया है, रूट 3732 होता तो 732 लिख लेते हैं। ये हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर में कर भी चुके हैं। और बाई फोर इंटू टू तो सर, रूट 5 लाते पहले 2.23। अच्छा इधर h बचा, तो अब h बचेगा तो क्या करोगे? और यहाँ 2 आ गया तो 1.732 बाई 2 करो, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से कट करो, 2.8 एट पॉइंट सिक्स फाइव और 0.86। 6 और 6 तो 0. h कितना आ गया? ये 0.866। अगर आपको h मिल गया है तो अब आप क्या ट्रेपीजियम का सीधे सीधे भी फार्मूला लगा सकती हो। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हुआ, या एरिया ऑफ रीजन थ्री, इट इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये चीज कर लो ना। अब क्या क्या चीजें आ गई? हाइट कितनी आई है? चलो 8 है तो 0.8 0.866 तो 0.866 हुआ। और सम ऑफ कितना है? सम याद है? 2+1 ये 3 सही है। तो अब 2 से इसे और कट करो तो 0.433 आया, तो 0.433 इंटू 3 कर दो, ये 3 आएगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, और 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द गिवन मॉडल, तो एरिया ऑफ मॉडल क्या क्या हो गया? इज एरिया ऑफ रीजन 1+2+3+4+5। अच्छा फर्स्ट रीजन का क्या एरिया आया? ये देखो फर्स्ट रीजन का एरिया हमारे पास कितना आ गया, ये है 2.475। इसको ठीक कर लेते हैं, देखिए। तो जो हमारा ये एरिया आया है पहले वाले का, ये कितना आया? क्या 2.475? तो 2.475 लिखो, ये चीज है। नेक्स्ट में क्या आया? सेकंड रीजन का क्या आया? सेकंड का भी देखो, 6.5। 6.5 सर, वो शर्मा पहले सर ने 1+2 कैसे हो, 1+1 1+2 देखो जरा नीचे, क्या इसकी ऊपर की पैरेलल साइड 1 है और नीचे की 2 है? यस सर। तो 2 लिखा। थर्ड रीजन यही है, इसका लिखो अब क्या, 1.299। फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ एक ही जैसे हैं। फोर्थ और फिफ्थ रीजन का क्या हुआ? फोर्थ और फिफ्थ रीजन का 4.5 आया था, चेक कर लो। तो 4.5 दो बार लिखें, इसको सब ऐसे लिखो, 2.475, 6.5, 1.299 और 4.5 और 4.5। ये इसका आंसर कभी भी बुक से नहीं मिलता है, हम 20 साल से लगातार इस सवाल को कर रहे हैं, आज भी नहीं मिलेगा। तो 5 9 14 एक कैरी लो, चाहे जितना एग्जैक्ट कर लो थोड़ा रह ही जाता है। 9 और 10 7 एक कैरी करो, तो 5 5 10 10 20 और 2।
देखो 5 5 10 और प्लस 2 12 हुआ एक कैरी, सो 12 ये कैरी चला गया, 5 5 10 12। अब देखो 6 3 9 और एक 10 हुआ, और 10 ये 18 पॉइंट आया कि नहीं, ठीक है कितना कैरी हुआ, पीछे कितना आंसर है, 6 4 10, पीछे कितना है, दैट इज 17 पॉइंट, टोटल कितना दिया है, 15.2 19.4। ओके यहाँ 19 आना चाहिए, यहाँ तो कहीं गड़बड़ी हुई है, फिर से देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 और 10, 12 10 कितना होता है, 22 होता है, यहाँ 2 कैरी करो, 12 10 22, तो ये 19.2 आया ना, और पीछे कितना है, 7 4। हाँ 19 पॉइंट, यानी अगर मैं 4 डिजिट तक रूट निकालूंगा तब आ पाता है 19.4। अगर आप इसका अप्रोक्सीमेशन भी कर लो तो कितना आएगा बताओ, 3 तक तो ही पहुंचेगा, 90.3। और पीछे 19.4 है, ये कभी भी नहीं निकल पाया, हमने 4 4 डिजिट तक भी किए सर हैं। वो एरिया ऑफ मॉडल में समझा दीजिए। हाँ ये कितना आ गया, 19.274, तो 19.3 अप्रोक्सीमेटली आ गया। हाँ आप बोलिए क्या चीज़ आपको सीखनी है। सर वो एरिया ऑफ मॉडल आपने लिखा है ना सर, उसके उसके बाद से सर। यानी अगर आपको एरिया ऑफ मॉडल निकालना है तो क्या इन सभी रीजन का एरिया जोड़ना पड़ेगा, यस सर। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, इस एयरक्राफ्ट के लिए, क्या मुझे फर्स्ट रीजन का एरिया लेना होगा, सेकंड रीजन का एरिया लेना होगा, थर्ड रीजन का, क्योंकि पेपर लगा है ना सब में, तो टोटल कितना पेपर लग गया इस चीज़ में, तो क्या मैं सारे एरिया जोड़ दूँ तो हमारा एरिया ऑफ मॉडल आ जाएगा, हाँ यस सर। तो मैंने सभी रीजन के लिए सर जोड़ एरिया लिया। ऑफ रीजन क्या है, रीजन एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ रीजन वन, या तो बार बार लिखो एरिया ऑफ रीजन वन प्लस एरिया ऑफ रीजन टू। मैंने रीजन बार बार ना लिख करके सिर्फ एक बार लिखा है, आप चाहो तो बार बार एरिया ऑफ रीजन वन प्लस एरिया ऑफ रीजन टू, रीजन रीजन लिखते रहो सब में। 2.475 क्या है। 2.475 ये पहला वाला जो सबसे पहले ही हेरॉन्स फार्मूला लगाया था, फर्स्ट का है, फर्स्ट का कितना आया था ओके चेक करो, टू पॉइंट सर फोर सेवन फाइव लेकिन फिर भी कितने की कमी रह गई। 0.1। हाँ वो रह जाएगी क्योंकि जो बुक है वो 5 डेसिमल प्लेस तक चाहती, इतना तो कोई नहीं निकालेगा ना, अगर तुम इतना निकालने वहाँ बैठोगे तो तुम्हारे बाकी सवाल तो छूट जाएंगे, बोलो तो सर ये ना सर बहुत ज्यादा लंदी है। ये लेंदी क्वेश्चन इसीलिए सबसे बाद में कराया, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्या है। अब हम लोग साइंस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। ओके ये तो हो गया ना चैप्टर, यस सर। तो 4 क्वेश्चन हमारे साइंस में बचे हैं, लेट अस डू दैट।